हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम एलएल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ द चाणक्या डायलॉग्स हिंदी। ये है मेजर गौरवारिया सर का चैनल है, अपना खुद का चैनल है। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जरूर मेजर गौरवारिया सर को जाके सपोर्ट कीजिए। तो जो इन्होंने वीडियो बनाई है वो उसका टाइटल दिया है, जर्मन ने लिया कश्मीर का नाम, पाकिस्तान हुआ बावला, बिलावल को बनाया हीरो, एपिसोड 97 मेजर गौरवारिया सर। तो बावले तो ये हो ही जाते हैं कुछ ना कुछ बात पे। तो जो जर्मन ने अभी स्टेटमेंट दे दिया तो उस पर ही बात चल रही है। आप लोगों को न्यूज़ तो खैर पता है, पुरानी हो चुकी होती है, लेकिन ऐसा होता है कि हमें ये देखना होता है कि ये पाकिस्तानियों का दिमाग क्या है। ठीक है, वही मैं हमेशा जैसे आपको बोलता हूँ कि छोटी छोटी बातों पे ये उछलते बहुत हैं। ठीक है, पहले ही प्री मैच्योर सेलिब्रेशन कर लेते हैं, वो होता है बस एक धमाका होता है, बस चार दिन बाद वो बात ना इधर की ना उधर की, कुछ नहीं होना, इंडिया का उखाड़ लेगा कि जर्मन कुछ। चलो खैर, ये तो लंबी बात हो जाएगी, पहले हम वीडियो देखते हैं। वीडियो के एंड में मैं अपने व्यूज दूंगा, देखते हैं मेजर गौरवारिया सर ने इनकी कैसे बजाई है, क्योंकि पूर्के को बहुत ज़्यादा शौक है ना उछलने का, तो मेजर गौरवारिया सर अच्छी बजाते हैं। अच्छा यार, एक बात और है, मैंने ना पंजाब का CM है एक भगवंत मान, जैसे आपको पता ही होगा, उसने एक मीटिंग में कह दिया कि हमें पाकिस्तानियों से ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, ट्रेड चाहिए। तो अगर मैं बैठा होता ना उसको उस रूम में, तो उसको मैं पिछवाड़े में लात मार के बाहर निकाल देता। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, चाहे पंजाब हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे अपना गुजरात हो, जितने भी इस लाइन पर बॉर्डर लगते हैं, एक भी बॉर्डर की तार इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, खुलना ही नहीं चाहिए। तो मैं इसका सख्त विरोध करता हूँ। अगर पंजाब ने ये करने की कोशिश की तो मैं इसके सख्त खिलाफ रहूँगा और मैं बोलूँगा इस पर। तो मैं नहीं चाहता, इसका दिमाग ख़राब हुआ हुआ भगवंत मान का, इसको ये नहीं पता कि हमारे पंजाब में, वैसे हमारा पंजाब क्या, इंडिया के पंजाब में कितने शहीद हुए हैं जो इन्होंने मारे हैं, ये इनको याद नहीं आया भगवंत मान को। इसको चाहिए ट्रेड बड़े नाटू शाह को, ये नहीं है कि जाके इंडिया जैसे और से मुकाबला हो रहा है हमारा अपनी आपस में स्टेट्स का, कि कौन कितनी इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ कितनी फैक्ट्री लगाते हैं, वो नहीं दिख रहा इसको, इसको ट्रेड की आग लग गई। चलो खैर, मैंने इसका आपको बताना था क्योंकि मेरे को कमेंट भी आ रहे थे। तो मेरा सीधा सीधा स्टांस है भाई, ठीक है, कोई ट्रेड नहीं, नो ट्रेड। चलिए पहले ये देखते हैं जर्मन वाली वीडियो, एंड में करेंगे तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। और इसके पहले कि आप पूरा और कंटेंट देखें, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों, हाल ही में खबर आई पाकिस्तान में, और जैसे कि प्यासी सूखी जमीन होती है, बंजर जमीन रेगिस्तान की, उस पर बारिश का एक बूंद गिर जाता है कहीं से, तो कहते हैं वहां पर रातों रात एक जंगल खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान में भी यही हुआ, बिलावल भुट्टो साहब गए और बिलावल भुट्टो साहब मिले जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर से। ये देखिए स्क्रीन पे, देखिए साहब, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर कॉल्स फॉर UN रोल टू रिजॉल्व कश्मीर डिस्प्यूट। अब बिल्कुल यार, इनके तो मुंह में ऐसे हो गया जैसे मालपुआ डाल दिया किसी ने, ये तो बावले हो गए पाकिस्तानी। आप इनका टीवी देखिए, आप लोगों का यूट्यूब देखिए, वो तो पागल हो गए कि किसी गोरे ने, अ वाइट पर्सन इज मेंशन कश्मीर। ये अच्छा, इसको द न्यूज इंटरनेशनल, ये जो अखबार है, ये कहता है पाकिस्तान ऑन फ्राइडे अचीव्ड अ मेजर डिप्लोमेटिक विन इन जर्मनी व्हेन प्रोबेबली फॉर द फर्स्ट टाइम अ यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर कॉल्ड फॉर द यूनाइटेड नेशंस रोल टू सॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट। अच्छा, अब बिलावल भुट्टो का ये ट्वीट देखिए आप। प्लेजर मीटिंग में जर्मन काउंटर पार्ट ए बेबॉक इन बर्लिन, इश्यूज ऑफ बायलैटरल बोल रहे होंगे, बायलैटरल इंटरेस्ट, फ्लड्स, कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट, ग्रीन एनर्जी एंड एनहांसिंग economic ties discussed, grateful for flood relief assistance, today's announcement of additional 10 million euros, taking total to 60 million euros. ये basically भीख मांगने गया था। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं इसमें स्टोरी क्या है, और इसके पहले कि मैं आपको कहानी समझाऊं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब भी देखेंगे किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर को, ऐसा हो नहीं सकता कि
वो यूट्यूबर या पाकिस्तानी न्यूज चैनल या टेलीविजन चैनल हफ्ते में एक बार कम से कम इस मौजू पे डिबेट ना करे, इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे बहस ना करे और सड़क पे जाके लोगों की राय ना पूछे। वो टॉपिक क्या है कि 75 साल के बाद दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए, फिर भारत कहां पहुंच गया, हम यहां पे क्यों रह गए, इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती, क्या कारण हो सकते। पहली बात तो यह है कि आजाद भारत हुआ था, पाकिस्तान बना था, जमीन आसमान का फर्क है। हमारा सिविलाइजेशन हजारों दर हजारों साल पुराना है, तो इसमें कंपैरिजन ना करा जाए कि 14 तारीख को एक हो गया 15 तारीख को, ऐसी बात नहीं है। हमें आजादी मिली थी, हम स्वतंत्र हुए थे और आप बने थे एक नया मुल्क, पहले मैं ये बता दूं। अच्छा, दूसरी चीज है कि पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर पाया, यही बेकूफियों की वजह से। भारत के इतने सीईओज हैं, लगे हुए हैं बाहर की कंपनियों में, और गूगल का भी है और फेसबुक का भी है और फलाने यूट्यूब, पता नहीं किस किस कंपनी का नाम लेते रहते हैं रोज, इसका भी है, स्टारबक्स का भी है, फलाने का है, ढिमके का है। अरे भाई, भारत का है, भारत को छोड़ो, तुम्हारा क्यों नहीं है? तुम्हारा एक भी सीईओ क्यों नहीं है? तुम्हारे सीईओ सिर्फ लश्कर ए तैयबा और जैश मोहम्मद में क्यों है? कोई तुम्हारा एक ढंग का इंजीनियर तुम्हारी कंट्री क्यों नहीं प्रोड्यूस करती, जो वहां पर बाहर जाके किसी मल्टीनेशनल कंपनी को, कोई भी एक मल्टीनेशनल कंपनी हो, वहां का सीईओ बने? डिपार्टमेंटल स्टोर से ऊपर पाकिस्तानी बढ़ ही नहीं पाया आज तक। ये वही है, ये पेट्रोल पंप, डिपार्टमेंटल स्टोर, इससे आगे नहीं बढ़ पाए पाकिस्तानी। क्यों नहीं बढ़ पाए? जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर के सामने बिलावल बैठा है और पाकिस्तानी बावले हो गए कि उसने बोल दिया कश्मीर यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से सॉल्व होना चाहिए। तो क्या बोलेगी वो? भाई, यूएन का एक रेजोल्यूशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन है कि कश्मीर है, तो वो क्या यूएन रेजोल्यूशन के खिलाफ तोड़ना चले जाएगा कोई? इसमें इतनी जीत बनाने की क्या बात है? और मैं ये कह रहा हूं कि चलो, जर्मनी ने यह भी बोल दिया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम भारत को कंडेम करते हैं, चलो माना, कह दिया। साथ में बाइडेन भी खड़ा हो गया, साथ में पुतिन भी खड़ा हो गया, साथ में शी जिनपिंग भी खड़ा हो गया, फिर क्या हो जाएगा? मैं पूछ रहा हूं पाकिस्तानियों से कि बेटा फिर क्या हो जाएगा? तुम्हें कश्मीर मिल जाएगा क्या? 75 साल में तुम एक इंच जमीन नहीं ले पाए, हो क्या जाएगा मुझे ये बता दो। इतनी जो तुम शादियां बजा रहे हो, जो लुडियां पा रहे हो सड़क में, भंगड़े शंगड़े डाल रहे हो, ये क्या होने क्या वाला है? एक देश के, एक कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर के बयान दे दिया एंड यू आर कॉलिंग इट अ मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री? और फिर तुम्हारे सारे के सारे यूट्यूबर, भारत कहां खड़ा है, हम कहां खड़े, भारत खड़ा नहीं, भारत दौड़ रहा है, खड़े तुम हो अपनी जगह पर, भारत कहां खड़ा है, हम कहां खड़े हैं, उनकी इतनी तरक्की क्यों है, क्या यह मार्शल लॉ की वजह से था कि हमारे यहां मार्शल लॉ लगते गए? मार्शल लॉ एक रीजन हो सकता है, पर सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम्हारी जितनी भी सरकारें हैं वो बैल बुद्धि हैं, भूसा भरा हुआ है यहां पे, गोबर भरा हुआ है। बिलावल लल्ला चले गए, बिलावल लल्ला ने जाके बोला कि कश्मीर बोल दो, तो उसने 10 मिलियन यूरो तो दिए उसको भीख में, उसने कश्मीर बोल दिया, ये बावले हो। अरे भाई, बिलावल भुट्टो को यह चाहिए था कि जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर को यह बोले, ठीक है, कि हम जो असली मुद्दे पर आता हूं मैं, कि भाई देखो, आप ये चाहते हो कि जिन्होंने जर्मनी को सपोर्ट करा जब जर्मनी की फोर्सेस अमेरिका के साथ अफगानिस्तान में थी, जिन अफगानों ने सपोर्ट करा, हम उनको निकाल के बाहर लाएंगे। ईरान से लोगों की बनती नहीं है, अब जाहिर सी बात है क्योंकि ईरान से नहीं बनती है तो दूसरी जगह कौन सी है जहां से ला सकते हैं? दूसरी जगह पाकिस्तान है जो सबसे कन्वीनियंट पड़ती है, तो हम इस चीज का मसला आपका सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको एक काम करना होगा। वो क्या काम करना होगा? आपको यह काम करना होगा कि IIT के मुकाबले, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मुकाबले में, आपको पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जो मर्जी शहर में आप एक इंस्टीट्यूट बिल्ड करें जो कि वर्ल्ड क्लास हो टेक्नोलॉजी का, कि आज से 30 साल के बाद हमारे भी जो पाकिस्तान के बच्चे हैं वो बाहर जाके सीईओ बने। अभी वो मरियम नवाज जो है, उसकी बेटी, जो नवाज शरीफ की बेटी है, उसने बयान दिया कि मैं जा रही हूं बाहर अपना इलाज करवाने के लिए, लंदन जा रही हूं मैं अपना इलाज करवाने के लिए। तो देखिए, लंदन ये जा रही है इलाज करवाने के लिए क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में एक अस्पताल नहीं है जहां पे ये अपने नॉर्मल, मतलब सर्दी जुकाम से ज्यादा पाकिस्तान में इलाज नहीं होता किसी चीज का, वो तो वीजा बंद हो गया, वरना सारे के सारे पाकिस्तानी इंडिया में पड़े रहते थे। ये बोल सकते थे जर्मनी से कि एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल आप हमें बना के दे दीजिए, 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी, हम आपका सारा अफगानिस्तान में काम कर देंगे जितना भी कर सकते हैं। नहीं, ना उनको अल्टरनेट एनर्जी की अकल आई,
ना नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की अकल आई। फूड सिक्योरिटी के कॉन्फ्रेंस में तो बिलावल भुट्टो कश्मीर का राग गा रहा था। ये कह रहे हैं मेजर, ये देखिए साहब क्या बताएं इनको, इनको तो मैं, मुझे पाकिस्तानियों से ट्यूशन फीस लेनी चाहिए क्योंकि मैं इनको हर समय पढ़ाता हूं। अब मूड बुद्धि है बच्चे, नहीं समझ में आता इनको। लेकिन Foreign Minister Bilawal, while commenting on disputes worldwide and in the region, also commented on the Kashmir dispute. We will continue to raise the issue of Indian-occupied Kashmir. We believe that international law should apply everywhere and the UN resolution should be respected everywhere. देखो भाई, ये बिलावल भुट्टो का बयान है। मुझे यही बात समझ में नहीं आती कि इन लोगों को, पाकिस्तानियों को अपने खुद के मुल्क से इतनी नफरत क्यों है? और ये बात मुझे समझ में नहीं आती। इंडिया तो बड़ा खुश है। कल मैं बात कर रहा था, मैं दो तीन दिन के लिए गोवा गया हुआ था, कुछ काम था, तो मैं वापस आया तो जब डिस्कशन हुआ, बीच में मुझे टाइम नहीं मिला, मैं मीटिंग्स में था, कॉन्फ्रेंसेस में था, लेक्चर्स में था, जब मैं वापस आया तो लोगों ने बोला, अरे मेजर साहब ये तो फिर सेल्फ गोल कर दिया बिलावल ने। मैंने क्या कर दिया उसने, फिर मुझे लिंक भेजी ये द इंटरनेशनल की जो मैंने आपको अभी दिखाई है। फिर मैंने बोला यार ये अजीब से बंदे, अपने मुल्क से इतनी नफरत करते हैं लोग, अपने खुद के मुल्क से। इनको मदद करने के लिए कुछ मांगना चाहिए था, और ये ना ये मांगते नहीं, क्या है, अपने परिवारों का पेट ठूसने के चक्कर में रहते हैं। चाइनीज ने सीपैक में जो पैसा लगाया उसमें $26 अरब ये खा गए। तो चाइनीज इनसे कहते हैं यार तुम लोग बड़े बेगैर है, तो यार हमसे भाई भाई कहते हो कि बिरादर 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 के, तो बिरादर की जेब काट ली तुमने यार। चाइनीज इनसे परेशान है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ठप कर दिया इन्होंने, पैसे खा के भाग गए ये लोग। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर मानिए कि जर्मनी ने कह भी दिया फिर क्या हो जाएगा उससे? अरे मेजर साहब हमें 450 मिलियन का वो मिल गया, हेल्प मिल गई F-16 फाइटर जेट से। मैं पाकिस्तानियों से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, वैसे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि ये पढ़े लिखों वाली बातें हैं, आपके बस का है नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ कुछ समझ में आती है मेरी बातें, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं पाकिस्तानियों से, अगर आप देख रहे हो यार, एक बात तो बताओ मुझे, आपका इतिहास, आपकी तारीख गवाह है कि जब जब आपने गोरे से हाथ मिलाया पाकिस्तान में खून बहा है। मैं सच बोल रहा हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बोलिए मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हैं, मैं आपसे माफी मांगूंगा, आई अपोलोजाइज टू यू, मैं नया वीडियो बनाऊंगा माफी मांगते हुए। जियाउल हक ने पैसे लिए CIA से 79 और 1989 के बीच में, रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए, जिहाद लड़ने के लिए, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, आग लग गई पूरे पाकिस्तान में। जो हर समय रोते ना हमारे, 80,000 लोग मर गए, $100 अरब का हमारा प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई, वो क्यों हुई? वो क्यों हुई भाई? क्यों तुम्हारे मुल्क में 80,000 लोग मरे? अगर मरे 80,000 तो वो इसीलिए मरे लोग तुम्हारे, जिन्होंने अपनी जानें दी या उनकी जानें ले ली, उन्होंने क्या दी बेचारों ने, उनकी ले ली गई जानें, क्योंकि तुम लोगों ने पैसे लिए थे उसके। अब ये कहते हैं अमेरिका बेवफा यार निकला, गोरा जो था वो बेवफा नहीं निकला, उसने पैसे दिए क्योंकि पाकिस्तानी जानों की कीमत नहीं है, उसने मुंह पे तुम्हारे पैसे मांगे, तुमने पैसे, तुमने एवन फील्ड में जाके फ्लैट खरीद लिए अपने, तुमने दुबई में शॉपिंग मॉल खरीद लिए, प्लाजे खरीद लिए, फिर रोते क्यों कि 80,000 मर गए, 90,000 मर गए, 1,00,000 मर गए? भाई जब तुम किसी चीज का ठेका उठाओगे तो जिम्मेदारी तो तुम्हारी होगी ना, पैसे तुमने जेब में डाले। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं यार, मुझे एक बात इनकी बिल्कुल समझ में नहीं आती कि जब भी ऐसा होता है, इन्होंने तालिबान बनाया, अमरीका चुपचाप देख रहा कोने से, हाँ हाँ चलो बेटा चलो बेटा, ये वही तालिबान ने 300 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मार दी एक साल में, 300 से ज्यादा, और इतनी बुरी मार लगा रहा है तालिबान, इतनी बुरी मार लगा रहा है, इनको फिर समझ में नहीं आ रहा। अब अमेरिका क्या चाह रहा है इससे, अमेरिका ने क्यों पैसे दिए? ठीक है भारत ने उसकी खिलाफ वर्जी करी और भारत उसके खिलाफ है, मैं भी खिलाफ हूं, पाकिस्तान की हेल्प नहीं करनी चाहिए F-16 में, लेकिन मैं जानता हूं। अब आप देखिएगा, पाकिस्तान अपने कबायली इलाकों में और अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स करेगा, आप देख लीजिएगा 2-3 महीने के अंदर ये होने वाला है, मैक्सिमम मार्च अप्रैल तक ये कांड शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान के, क्योंकि भाई आप देखिए ना पाकिस्तान को पैसा क्यों मिल रहा है, पाकिस्तान में अमेरिका या कोई भी मुल्क पैसे क्यों डालता है? इसलिए नहीं कि पाकिस्तान की अपनी औकात है, वो इसलिए डालता है क्योंकि बगल में अफगानिस्तान है और सबको अफगानिस्तान जाना, अफगानिस्तान के पास कोई समुद्र नहीं है, वो लैंडलॉक्ड कंट्री है। पाकिस्तान इज अ चुंगी नाका स्टेट, जैसे कि मैं यहां नोएडा रहता हूं, दिल्ली जाते हैं तो हम DND इस्तेमाल करते हैं, जो यहां के रहने वाले उनको पता होगा, ये दिल्ली वाले नोएडा आते हैं, दे यूज द DND, पाकिस्तान DND है, वो अपने आप को दिल्ली या नोएडा समझ बैठा है, नहीं वो दिल्ली नोएडा नहीं है, वो DND है।
और जैसे डीएनडी पे आजकल पैसे नहीं लगते, राइट, प्राइवेट व्हीकल्स के कम कम पैसे नहीं लगते, वैसे पाकिस्तान में वो खुला खेल फरुखाबादी भैया, वहां खुला खेल। तो ये खुश हो जाना। अच्छा मैंने समझा, एक दो मैंने अपने पाकिस्तानी दोस्तों को बात भी करी, मैंने बोला यार जब जब तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारे मुल्क वालों ने हाथ मिलाया ना गोरे से, तुम्हारे मुल्क में खून बहा है, लेकिन अब क्यों खुश हो गए कि भाई पाकिस्तान की रिलेशनशिप अमेरिका से ठीक हो? अमेरिका से तुम्हारी रिलेशनशिप कभी ठीक थी ही नहीं, अब 75 साल में आज तक ठीक नहीं थी। ठीक कैसी रिलेशनशिप होती है कि जब आप कुछ अमेरिका को देते हैं, अमेरिका कुछ आप में इन्वेस्ट करता है, आप अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं, ये सब चीजें हैं। अमेरिका इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, अमेरिकन इंडिया आते हैं, इंडियंस अमेरिका जाके काम करते हैं, वाइस वर्सा, ये होता है रिश्ता, ये होती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आप तो भाड़े के फौजी हो, आपको तो भाई अमेरिका ने सिर्फ ये बोल दिया है कि लो बेटा ये पकड़ो पैसे और वो काम करके आओ। ये मालिक और नौकर का रिश्ता है, ये बराबरी का रिश्ता नहीं है जो आप लोग समझ बैठे हो कि इतनी खुशियां मना रहे और जितने बैंड बाजे बज रहे हैं कि बिलावल ने तीर मार दिया। बिलावल बेवकूफ है, बिलावल ने पिछली बार फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, यार आई वाज, मैंने माथा पीट लिया, मैंने बोला आदमी बावला है क्या, ये अमेरिका में बैठा फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बारे में, इसको बुलाया यूनाइटेड नेशंस में, फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में गया, वहां पे कश्मीर का गाना गा रहा है, और अब पाकिस्तान में बाड़ा रखी, लोगों को खाने को नहीं है। अरे फूड सिक्योरिटी के कॉन्फ्रेंस में फूड सिक्योरिटी के बारे में बात कर लेता ना। पर इसमें बिलावल की भी गलती नहीं है, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम को कश्मीर को लेकर ऐसा पागल कर दिया है, पाकिस्तानियों को कुछ नहीं पता कश्मीर में है क्या, और उनको यह बता दिया गया कि जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते पे तुम्हें जिहाद करना, और तुम्हें बस इतना दिमाग में उनके फिट कर दिया कश्मीर का, और लगे मैं घोड़े दौड़ रहे हैं उनके। तो यार एक बात बताओ, छोटी सी बात, जर्मनी ने बोल दिया तो हो क्या गया इससे, इससे क्या फर्क पड़ गया जनाब? जर्मनी तो क्या हुआ, जर्मनी तुम क्या, जर्मनी तुम्हारा मालिक है, तुम नौकर हो जर्मनी के, कि जर्मनी ने बोल दिया तुम बड़े खुश हो गए, मेजर डिप्लोमेटिक विन फॉर पाकिस्तान, मुझे तो लॉजिक ही समझ में नहीं आया। और फिर तुम लोग जाके यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो कि भारत यहाँ खड़ा है, हम वहाँ खड़े हैं, वो वहाँ खड़ा है, वो नीचे खड़ा है, ऊपर खड़ा है, और 75 साल में इतना गैप क्यों आ गया? इसलिए गैप आ गया क्योंकि बावलों तुम लोग ठीक से काम नहीं करते, या तो कैपेबिलिटी नहीं है, या दिमाग नहीं है, या फोकस नहीं है, या कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक रास्ते में चले जाओ कश्मीर का। तो ये पाकिस्तान में आजकल बड़ा डिस्कशन हो रहा है कि साहब ये तो बहुत, बिलावल ने कद्दू में तीर मार दिया साहब, और बिलावल ने ये बड़ा कर दिया। अच्छा 3 दिन के अंदर ये मामला ठंडा हो जाएगा, क्योंकि एंड में लोग इससे ये पूछेंगे, कोई भी होगा, पाकिस्तानी होगा, कोई भी एक्सवाइज़ेड होगा, वो एक बार जरूर पूछेगा कि साहब वो, खैर पाकिस्तानी कभी पूछते नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है उनका भी, कि साहब वो जर्मनी वाली जो मैडम थी ना, उन्होंने बोला था कि कश्मीर, उसका हुआ क्या, जरा बताना क्या होना, होना क्या है उसका, इतनी खुशियां मना रहे हो, इतनी जैसे ईद आ गई, दिवाली आ गई, क्यों इतनी खुशियां मना रहे हो, क्या होगा तुम्हारा, कुछ नहीं होगा। जब तक मुल्क जो है अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता, जब तक कोई भी देश, उसके पास अपनी इकोनॉमी नहीं होती, अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, वो किसी काम का नहीं होता। पाकिस्तान के साथ कोई डील करने के लिए नहीं, उसको पता ही नहीं शहबाज शरीफ कब तक रहेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ की और कहीं नहीं चलती, वही 25-30 मील के दायरे के अंदर जो इस्लामाबाद है उसी में उसकी चलती है, उसके अलावा उसको कोई पूछ नहीं रहा, उसको पानी नहीं पूछ रहा कोई। भाई खैबर पख्तूनख्वा में किसकी सरकार है, पंजाब में किसकी, इमरान खान की है, सिंध में किसकी, बिलावल की है, और यहां पे मिली जुली सरकार है आपके बलूचिस्तान में, वो जमातुल इस्लामी और एक और किसी का है वो मामला वहां पर, इनकी तो सरकार ही नहीं है। तो इनको कुछ नहीं पता, कल ये निकल जाएंगे, निपट जाएंगे, इनका क्या होगा, नोबडी नोज। तो जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हसन निसार साहब हैं, बड़े फेमस, एक मैं तो बड़ा लाइक करता हूँ पर्सनली, बड़ा एडमायर करता हूँ हसन निसार साहब को। हसन निसार साहब ये कहते हैं कि यार जिस बंदे का ना पैर के नीचे ज़मीन उसकी नहीं, जिसके सर के ऊपर छत उसकी नहीं, तो उसका ओपिनियन अपना कैसे हो सकता है यार? जिसके पैर के नीचे ज़मीन उसकी नहीं, जिसके सर के ऊपर छत उसकी नहीं, उसकी राय कैसे हो सकती है, उसका वोट कैसे हो सकता है, खुद मुख्तार सॉवरेन वो कैसे हो सकता है? पाकिस्तान अपने आप को सॉवरेन मुल्क कैसे कह सकता है? कर्ज पे जीने वाला मुल्क जिसमें कुछ नहीं पता कि आज कौन वजीर आजम है, कल कौन होगा, कोई लॉन्ग मार्च कर रहा है, कोई धरने की बात कर रहा है, कोई डीजे बजवा रहा है, कोई पूरा बंदर बांट वहां पे हो रखी है,
जैसे कि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलती है ना सर्कस में, तो पाकिस्तान में वो खेल हो रखा है। फिर कहते हैं हम खुद मुख्तार मुल्क हैं। कैसे खुद मुख्तार यार? खुद मुख्तार वो होता है जिसकी जेबें भरी हों। खुद मुख्तार वो होता है जिसमें जिसमें जो इतना सशक्त हो, जिसमें इतनी ताकत हो कि अपने मुल्क को बचा सके। आपके मुल्क को अंदर के भेड़िए खा रहे हैं, कौए नोच रहे हैं। ठीक है यार, मुझे तो मैं कभी कभी बड़ा, क्योंकि एक दो हैं पाकिस्तानी जिनसे मेरी रेगुलर बातचीत चलती है, अच्छे लोग हैं यार वो, मैं उनको समझाता हूँ यार तुम लोग ये सब बंद करो अपना गाना, फोकस ऑन एजुकेशन। मैं बता रहा हूँ इंडिया का जो पावर है ना, जो आप लोग यूट्यूब वीडियो बनाते हो इंडिया कैसे आगे निकल गया, इंडिया में मिलिट्री, वो मिलिट्री विलिट्री का इतना चक्कर नहीं है। इंडिया का असली जो पावर है वो इंडिया का एजुकेशन है। इंडियाज ट्रू पावर इज इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, जिसमें और इंप्रूवमेंट होने की जरूरत है। ऐसी बात नहीं है कि हमारा बेस्ट है वर्ल्ड में, लेकिन जो भी इंडिया को फ्रूट्स मिले हैं, ये सुंदर पिचाई ये कहां की पैदाइश है, ये कहां से आया सुंदर पिचाई, कि इंदिरा नोई कहां से आ गई जो पेप्सी की चेयरमैन थी या सीईओ थी जो भी। ये जितने भी इंडिया के आप बड़े बड़े नाम लेते हो स्टारबक्स के, और ये कहां से आ गए, ये उपज कहां की है, ये जो कहते हैं कि ये फसल कहां की है, ये इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की तो फसल है। ये जो IITs बने, IIM बने, यहां की फसल है। ये हमारे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है यहां की फसलें हैं। आपके यहां है नहीं, आपके यहां जुकाम से ज्यादा इलाज नहीं हो सकता, तो नवाज शरीफ की बेटी लंदन जाती है सर्जरी करवाने के लिए, क्योंकि आपने 75 साल तक लोगों को बोला देखना अगर हम कश्मीर जीत गए इंशाल्लाह तो फिर नल में पानी भी आएगा, ठीक है, तारों में बिजली भी दौड़ेगी, हम इंडिया को क्रिकेट में भी हरा देंगे और टमाटर 20 रुपए किलो भी मिलेगा, फिर देखना क्या होगा अगर हमने कश्मीर फतेह कर ली इंशाल्लाह। बस यही चूरन गोल गोल घुमा के आपने अपने लोगों को खिलाया, और ये हमसे बता रहे हैं कि साहब बिलावल ने बहुत बड़ा तीर मार दिया। कोई तीर भी नहीं मारा, जर्मनी को भी पता है इन बेवकूफों को यही काम चाहिए। जर्मनी बोला ले बेटा तू चाहता ना कश्मीर, ये बोल दिया कश्मीर कश्मीर कश्मीर, ठीक है अब हमारा काम कर जी मालकिन। 10 मिलियन पाउंड का उसने चेक जेब में डाला बिलावल ने, अब वो 10 मिलियन पाउंड बिलावल और उसका बाप मिलकर निपटा देंगे। मिस्टर 10% कहते थे जरदारी को, यानी हर चीज में 10% खाता था। किसी भी पाकिस्तानी से पूछिएगा हु इज मिस्टर 10%, वो आसिफ अली जरदारी का नाम लेगा। ये लोग खा लेंगे, इनके दुबई वुबई में इनके फ्लैट बन जाएंगे और कुछ शॉपिंग मॉल इनके आ जाएंगे और कुछ ये लंदन में इन्वेस्ट कर देंगे, कहानी खत्म। जो पाकिस्तानी खुले आसमान के नीचे जो रो रहा है बेचारा, बिलक रहा है, जिसका बच्चा रो रहा है, इन्होंने तो उसको इग्नोर कर दिया, उसके पास कुछ नहीं पहुंचना, आज भी कुछ नहीं पहुंच रहा, वो वैसे ही बेचारा नंगा पुंगा आसमान की ओर देख रहा है। अच्छा, क्योंकि पूरी पब्लिक को ना बावला कर दिया, तुम गाजी हो, तुम मुजाहिद हो, तुम टमाटर हो, तुम प्याज हो, तुम लहसुन हो, उनको बोल बोल के ऐसा कर दिया कि लोग बावले हो गए। अब लोग बावले हो गए तो उनको बोला देखो मैं गया था ना कट, दोबारा करेंगे इसको। लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। फिर लोग भी ऐसे हैं ना कि लोग इतना इंडोक्ट्रिनेट हो चुके हैं, इतनी नफरत भर चुकी है भारत के खिलाफ कि वो जब देखो मैं गया था जर्मनी, मैंने कश्मीर की बात करी ना और पैसे भी लेकर आया, हो गई फॉरेन पॉलिसी। कश्मीर के बारे में मैंने बात करी, वो गोरी मैम थी उसने भी कश्मीर कश्मीर बोल दिया दो बार, कुछ मैं पैसे ले आया, कहानी खत्म हो गई तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी। लोगों ने बोला सुभान अल्लाह क्या चीज, क्या बड़ा तीर मार। एक मैं कहानी सुनाता हूँ, बड़ी मशहूर कहानी है और ये जरूर आपने सुनी होगी, लेकिन ये पाकिस्तानी सरकार के ऊपर फिट बैठती, बड़ी मशहूर कहानी है और मैं 90% आपने कहानी सुनी होगी। तो यार ऐसा था कि एक जंगल में ना शेर था, तो शेर सारे जानवरों को खा जाता था, तो लोग बड़े परेशान हुए कि यार ये तो जंगल का राजा भी है और सबको खा जाता है, तो एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो उन्होंने डेमोक्रेसी से इलेक्शन कराया और इलेक्शन में वोट पड़े कि राजा कौन बनेगा, और उसमें बन गया बंदर, बंदर बन गया राजा। तो बंदर अपने सिंहासन पर बैठा रहा। एक दिन एक बकरी आई रोते बिलखते उसके पास कि राजा साहब हाँ बोलो क्या हो गया तुम्हें, क्यों रो रही हो? तो राजा साहब ऐसा है कि मेरा मेमना था उसको शेर पकड़ के ले गया, अब आप मेरे मेमने को छुड़ाइए वरना शेर खा जाएगा। तो बंदर ने बोला रुको एक मिनट रुको। बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ा, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, कभी नीचे आता कभी ऊपर जाता, कभी नीचे कभी ऊपर, भागता रहा बंदर। एक घंटे तक भागता रहा बंदर, भागता रहा। तो बकरी भी देख रही बंदर को, कहती राजा साहब वो शेर है मेरे बच्चे को खा जाएगा।
कह रहे देखो यार तुम्हारे बच्चे को बचाने की गारंटी हमारी नहीं है, तुम्हारे बच्चे को बचाने की गारंटी मेरी नहीं है, लेकिन अगर मेरी भागदौड़ में कुछ कमी है तो बताओ। वो बंदर बेसिकली पाकिस्तान की सरकार है और वो जो मेमना है वो पाकिस्तान की आवाम है और जो बकरी है ना वो पाकिस्तान की किस्मत है। यही पाकिस्तान की सच्चाई है। शेर खा रहा है बकरी को और ये कश्मीर और ये सब ड्रामा करके लोगों को बता रहा है हमारी भागदौड़ में कुछ कमी है तो बताओ तुम, और शेर मेमने को खा जाए। बस दोस्तों आज का यही वीडियो था, मैं जल्द आपके लिए एक और वीडियो लेकर आता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद। फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो भाई लोगों यहाँ तक थी वीडियो, आपने वीडियो देखी, आप आई होप आपने सारी वीडियो पहले भी देखी होगी, मुझे होप है कि आपने मेरे हिसाब से ये पूरी वीडियो देखी होगी। तो इसमें दो चार चीज़ें ही कहने वाली हैं, बाकी तो गौरवारी सर ने बताई दिया, लेकिन जो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हुआ ना, तो इन्होंने आज जो यूट्यूबर है ना सड़क शाह, उनकी अच्छी रेल बनाई साले। एक टाइम पे न्यूज़ निकलती नहीं यहाँ से, आधे घंटे के अंदर अंदर वहाँ पे वीडियो बना के भी डाल देते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, सड़क शाह उठाते हैं माइक और लोगों के मुंह में घुसेड़ना शुरू कर देते हैं। इंडिया में ये हो गया, इंडिया में वो हो गया, हम क्यों नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। तो मेजर साहब ने अच्छी यूट्यूबर की जो सड़क शाह है इनकी भी अच्छी तरीके से टकाई है कि साले ये हराम के पिल्ले ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है, करना कराना कुछ नहीं है। चाइना ने ये कर लिया, रशिया ने ये कर लिया, इंडिया आगे क्यों बढ़ गया, इंडिया पीछे क्यों हो गया, इंडिया ऊपर क्यों हो गया, इंडिया नीचे क्यों, जैसे वो बोला था। और दूसरा वैसे अच्छा किया मेजर गौरव आर्य सर, जिस चैनल पे जाते हैं जिन चैनल पे उनका भी तवा अच्छा लगा दिया, अच्छे तरीके से ठुकाई की वो चीमचू की, ये आरजू की, ये आलिया की, ठीक है, और दो चार जितने कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं वहाँ पे बैठ के, हाय इंडिया आगे क्यों निकल गया सर, इंडिया इतना आईटी में आगे क्यों चला गया, इंडिया के इतने इतने फंड्स कैसे बन गए, इंडिया के लोग इतने तरक्की क्यों कर गए। मेजर गौरव आर्य सर टका के बोला कि सालों अपने पे ध्यान दे लो। मैंने भी एक वीडियो में जवाब दिया था, चीमचू को भी बोला, वीडियो बनाई थी, चीमचू यही बातें करता रहता है, आरजू भी यही बातें करती है, वो एक ताहड़ सा है गंजा सा, उसको बिठा लेते हैं जो ऐसे लगते, और मैं बताता हूँ वो ताहड़ को क्यों बिठाते हैं, वो क्रिटिक है पाकिस्तान का, और इंडियंस वहां पे जाते हैं व्यूज देने के लिए, क्योंकि ताहड़ क्या बोलेगा, ये मजे लेने के लिए जाते हैं, और उसके इनको ये भोले बंदों को ये नहीं पता इंडियंस को कि तुम यहाँ के वो उनके व्यूज बढ़ा रहे हो, वो तो पैसा कमा रहे हैं, वो ताहिर को भी पैसा देते होंगे 110% ताहिर को पैसा जाता है उनका, वो फ्री का बंदा नहीं है, अमेरिका में रहता है, अमेरिका में तो जो अमेरिका जो बाहरली कंट्री किसी में भी रहता है वो पैसे पैसे का पीर होता है, उसको पता होता है कि मेरी टाइम टाइम की वैल्यू क्या है। वो इनके चैनल पर आधा आधा घंटा हर एक चैनल पर वो फकर के भी बैठने लग गया, ये कुछ ना कुछ उसको बोलते हैं कि इस वीडियो के हिसाब से तेरे को 10% 20% या 50% भी देंगे, ठीक है। तो ये सारी गेम है उनकी, ये चीमचूबी की गेम है, ये भी बिठा लेता है, ठीक है। मैं सारे क्या नहीं कहता कि जैसे एक ब्रिस्टर भी बैठता है, ठीक है, तो मैं हर एक का नहीं कहता, लेकिन मोस्ट ये ताहिर तो पक्का पैसे लेता है, और ये इतनी बैशिंग करता है पोर्कियों की ना, और आप खुद भी खुद ही चले जाते हो, जब भी आप देखोगे ना तो आपको मजा आएगा कि उसकी बातें सुनते जाके, ठीक है। तो एक्चुअली में दो काम करता है वो, एक तो पाकिस्तानियों को सुनाता है अपना गुस्सा, ठीक है, गालियां निकालता है क्योंकि उसकी उसको पता है कि हमारी इज्जत नहीं है बाहर कंट्री में, दूसरा उसको पेमेंट बनती है यहाँ से, तीसरी जो चीज़ है वो ये आरजू काजमी होगी, ठीक है, चीमचू हो गया, ये आलिया होगी, ये फकर हो गया, ये उसको 50% मेरे ख्याल से 50% देते होंगे, पर ख्याल क्या मेरे को 99% शक है, क्योंकि फ्री का किसी के पास टाइम नहीं होता, वो भी अमेरिका में बैठा हुआ है, ठीक है, एक एक घंटा दो दो घंटे इनके साथ मगज कपाई करता है, एक एक दिन में दो दो तीन तीन बंदों को इंटरव्यू करता है, इंटरव्यू देता है अपनी, तो उसके ऊपर फिर उसको स्टडी करने के लिए भी टाइम चाहिए होगा, वो डॉलर कमाएगा कि इनके घर भरेगा, तो वो उनका उसका पैसा ये यहाँ से लेता है, या फिर उक्का पुक्का लेता होगा कि भाई एक घंटा बैठूंगा आधा घंटा बैठूंगा इतने डॉलर चाहिए, ठीक है, $20, $25, $50 पक्का उसके घंटे के इतने कमाता होगा, अपने को बिजनेसमैन बोलता है, $20-30 कमाता होगा, $40 कमा लेता होगा एक घंटे के, इससे ज़्यादा क्या कमाता होगा। चलो खैर ये तो बात है, बाकी एक बात और है जो नंगा पुंगा बोला था मेजर गौरवारे सर ने, मज़ा आ गया वो बात सुन के, साले नंगे पुंगे
छत को इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं भाई। इस वीडियो में मेजर गौरवारे सर ने बातें भी की और रूस्ट भी किया। बाकी ये है, ठीक है, पोर्कियों को मैं बोलना चाहता हूँ, अगर किसी कोई पोर्की कान खोल के सुन ले, तुम जिससे मर्जी बुलवा लो, इंडिया का तुम घंटा भी नहीं उखाड़ सकते, ठीक है। जर्मन क्या पूरा यूरोप इकट्ठा होकर भी इंडिया को बोल देगा ना, तब भी इंडिया का घंटा नहीं उखाड़ सकता यूरोप, समझ गए। ये हमारा वो नहीं है कि हम अपने उसमें मार रहे हैं, ये हमें अपने इंडिया पे, हमें अपने आप पे इतना प्राउड है कि हमें, हम जब भूखे थे तब नहीं हमने किसी के सही, अब तो फिर भी हमारे पेट भरे हुए हैं, ठीक है। तो हम किसी से नहीं सुनते, ना हमने 91 में सुनी थी, ना आज सुनेंगे, ठीक है, ना 1947 में सुनी, ना 71 में सुनी थी किसी के। तुम्हारा अमेरिका आया था लेके, इंग्लैंड भी आया था, फ्रांस भी आया था अपने जहाज लेके, शिप लेके यहाँ पे इंडिया पे हमला करने। कुत्ता होता ना, कुत्ता पूछ अंदर को करके भागता है, ऐसे भागे थे, ठीक है। तो हमारी मर्जी, हम रशिया का साथ दें ना दें, हम रशिया के बारे में क्या करें, तुम लोगों को क्या लेना देना। ये ऐसे ही खुशियां मनाते रहते हैं, ओ अमेरिका को इंडिया ने स्नब कर दिया, फिर अमेरिका में जाके रशिया को स्नब कर दिया। बस ये छोटी छोटी टुच्ची, क्योंकि इनको ना दिमाग होता है ना, इनको टुच्ची बातों में खुश हो जाते हैं ये, इनको ना समझ नहीं आती, ये हमारे लिए बहुत मामूली बातें, बहुत मामूली। किसी ने स्टेटमेंट दे दिया, उसने क्या पता इंडिया को बोला होगा यार हमने स्टेटमेंट देना है, ये जर्मन ने क्या पहले ही बता दिया हो इंडिया को भी हम ये स्टेटमेंट देंगे, यार थोड़ा सा विरोध कर देना क्योंकि अपने लोगों का भी रख लेना। और ये है कि हमने यार हमारे यहाँ से ना बंदे निकलवाने हैं अफगानिस्तान से, ठीक है, जिन्होंने हमारा साथ दिया था, तो यार इंडिया को बोला होगा कि यार हमें बोल देना, हम तो यही बोलेंगे कि वो अकॉर्डिंग टू उसके होना चाहिए, इसमें क्या है, आप जितनी मर्जी सख्त दे देना। ये इनको ना पुरखियों को ये गेम नहीं समझ आती, मैं बताता हूँ कैसे नहीं इनको पल्ले पड़ती। ये बड़े बड़े एनालिस्ट PhD करे बैठे हैं, इनके भेजे में घुसती नहीं है कि इंडिया कर क्या जाता है और बाहरी दुनिया कर क्या जाती है इनके साथ गेम, इनकी गेम बजा जाते हैं सारे, ठीक है। 10 मिलियन यूरो इनके मुंह पे मारे और ये खुश हो गए पागलों की तरह घर आ गए। जो इन्होंने ये जो F-16 भी है, ये भी सारी यही प्लान है इंडिया ने विरोध। देखो चक्कर पैदा करता क्या होता है, अब हम आवाम है, आम बंदे हैं, हमें नहीं पता कि बैकडोर गवर्नमेंट के आपस में। कभी आपने देखा कि जब बायलैटरल मीटिंग्स होती है, इंडोर होती है, तो उसमें कैमरा कुछ नहीं होता, उसमें क्या बात होती है, क्या कहा जाता है कि आपने ये करना है, मैंने ये करना है, प्लीज इसको संभाल लेना, इसको संभाल लेना। ये सारी गेम मैं आपको रियल में बता रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो भी डिप्लोमेट में कहीं है, मैं नहीं उसका बताऊंगा नहीं, उसने मेरे को बताया कि जो आपको दिखाया जाता है या जो आपको बताया जाता है, ठीक है, उसके बिल्कुल उलट होते हैं चीजें, बैक एंड पे उल्टी चीजें चल रही होती हैं। डिप्लोमेट्स जब, जैसे अभी ये आप जर्मन का ही ले लो, जो ये बात की गई है इसके आप बिल्कुल पलटी मार दो, ये हो ही नहीं सकता कि जर्मन इस मौके पे आके, जहां ऐसी पोजीशन पे आके, जर्मन को क्या मिलना है, जर्मन को एक चीज मिलनी है, उसको अपना मतलब निकालना है इन पुर्कियों से। और मैं ये एक बात और बताता हूँ, ये पुर्की दिमाग से पैदल है, क्योंकि इन्होंने ना डिप्लोमेसी अगर सीखी होती तो आज इनका ये बुरा हाल ना होता। अगर इन्होंने जिंदगी में कुछ किया होता ना, तरक्की करनी होती, तो इनके पढ़ाई लिखाई और जहाज पे ना जाते। तो इनको ना ABC डिप्लोमेसी की डी भी नहीं पता, भी डी कहाँ पे लगती है, आगे लगती है या डिप्लोमेसी में डी पीछे लगती है, ठीक है। तो ये गेम प्लान सारे घूमे होते हैं, ये पुर्कियों को खुद के इनके मिनिस्टर को नहीं पता होगा कि इंडिया की बात भी होगी है। और क्या आप, हम क्या सोचते हैं कि जो रशिया से हम तेल ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, अमेरिका को हमने किया नहीं होगा कि भाई हमें ये थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। आप देख लो, आपने अगर चाइना का करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है यार, हमें तो लेना पड़ेगा, आप स्टेटमेंट दे देना, उसके ऊपर हम भी कुछ दे देंगे गर्म, समझे गए नहीं। तो पता उनको भी है। आप क्या सोचते हो कि रशिया के, हमें ये बताया जाता है कि रशिया का उसके साथ ये चल रहा है, अंदर ही अंदर खाते हैं इनकी सबकी कॉन्टेक्ट होते हैं दुनिया के, ये दुनिया ही आप लगा लो कि यो हमारी दुनिया ना, हम आम लोगों की, इस दुनिया से वो दुनिया बिल्कुल ही उलट है। ये मेरे को इन्फॉर्मेशन दी थी किसी बंदे ने, तभी मैंने आपको बताई है, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल का बंदा था, ठीक है। तो ऐसे तो वो बताते नहीं है चीज़ें कि कोई अंदरले सीक्रेट बता दिए उसने, उसने ये बस इतना बोला था मेरे को कि ये जो आप देखते हो ना, जो आप इनकी स्टेटमेंट्स भी आती हैं, वो एग्जैक्टली वो स्टेटमेंट नहीं होती जो बंद कमरों में चीज हुई होती है,
क्योंकि अगर ये चीज ओपनली बता दी ठीक है, फिर जो दुश्मन देश है या दूसरे कंट्रीज हैं उनको समझ आ जाती है कि इन्होंने क्या प्लान है। बायलैटरल का मतलब क्या होता है, मीटिंग्स होती हैं जा जाके, एक ऊपर में होती हैं, आपने देखी होंगी, जैसे हमारे भी यहाँ पे आएंगे अब G20 का, जब कोई भी SCO होता है, SCO में एक होती है पूरी पूरी मीटिंग, ठीक है, एक होती है बायलैटरल बंद कमरे में, जब उस आपको वही सीन दिखाए जाते हैं जब ये कोई स्टेटमेंट देते हैं, जब आपस में बातें करनी होती हैं, उससे पहले उस कमरे में ये ऑलरेडी मौजूद होते हैं और बात कर चुके होते हैं कि हमने बोलना क्या है, प्रेस ने अगर क्वेश्चन पूछा हमने क्या क्या बोलना है, दोनों मिलके बात करते हैं। ये पोर्कियों का ना आज तक समझ नहीं आई कि इनकी गेम, अमेरिका ने क्या किया था, पैसे पकड़ाए, कहते भाई ये पैसे कम है और दो, ये बिलावल भुट्टा कहता कि और दो, अमेरिका ने इनका फुद्दू बना दिया, और इतने दिमाग का पैदल है ये, इतने दिमाग के पैदल है बंदा, उसको बोल रहा है अमेरिकन बोल रहे हैं कि जाओ चाइना से, तुमने लोन लून लिया हो चाइना से, जाके उनको बोलो कि लोन माफ कर दे, ये इतने बेवकूफ अकल के पैदल हैं, इतने मेरे को ये नहीं समझ आती इनको, इतनी बात नहीं समझ आई कि तुम्हारा फुद्दू खींच गया अमेरिका और तुम उसके पास जाओगे, ये भी मुत्था उठाया और सीधा उनको कह दिया, क्या कहते हैं चाइना को बोलने लग गए, और चाइना ने क्या बोला था, क्या तुम उल्टी सीधी, जैसे हम दोस्त नहीं होता उसको पंप दे के भुगा देते हैं कि चल चल यार कर दे उसके साथ ये पूछ कर ले। चाइना ने स्टेटमेंट दी है कि यार अमेरिका को बोला कि यार तुम क्या इन फुद्दू बंदों को फुद्दू बातें सिखाते रहते हो, और ये ऐसे फुद्दू तरह सीखते भी रहते हैं। तो ये बात है डिप्लोमेसी की, बड़ी हाई लेवल की है। बाकी मेरे को वीडियो बहुत अच्छी लगी, आई होप कि आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो यहाँ तक थी वीडियो, प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस जो आपका भाई है हिंदुस्तानी, जो इस मीडिया वॉरफेयर में अपना किरदार निभाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया की खातिर, ये पाकिस्तानियों को ठोकना है हमने, ठीक है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, हमें आवाज़ बनना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो नए बंदे हैं सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाओ इस चैनल पे, ताकि हम इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में इन पोर्कियों के अच्छी तरीके से बजा सकें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में काफ़ी आगे चल रहे हैं हमसे। चैनल बना के देख लो कितने बैठे हैं और सब्सक्राइबर देखो, उससे पता चल जाता है कि हम लैग कर रहे हैं। इनकी बातें बहुत ज़्यादा दूर तक पहुँच रही हैं, जितनी ज़्यादा बातें दूर तक पहुँचेगी उतने लोग इन्फ्लुएंस होंगे, और हो सकता है उसमें से आप एक सोच के देखो 1% भी इन्फ्लुएंस में आगे बंदे, ठीक है, तो कहाँ से कहाँ बात जाती है, एक देश के लिए खतरा बन जाता है ऐसे चैनल जो पोर्की के हैं। तो इसलिए मैं आपकी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। तो लास्ट में यही बोलूँगा, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर, ठीक है, ज़रूर करो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।